नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ सैफई में और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो अभिनव विद्यालय है, यहाँ पर मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव की वोटिंग की जा रही है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मतदाता पहुँच रहे हैं और अपने अपने मतदान कर रहे हैं। इस पोलिंग बूथ पर 4 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है। कुछ ही देर में यहाँ पर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पहुँचेंगे और अपना मतदान करेंगे। अभी इस समय अंशुल यादव, अभय राम यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव अपना मतदान यहाँ आकर कर चुके हैं। बताया जा रहा है कुछ देर में शिवपाल सिंह यादव भी पहुँचेंगे और अपना मतदान यहाँ आकर करेंगे। यहाँ पर बड़ी तादाद में फोर्स लग चुकी है और पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। कुछ ही देर में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव साथ में यहाँ पहुँचेंगे और मतदान करेंगे। ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए जितना महत्वपूर्ण है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साख के लिए भी एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। आप हमारे साथ देख रहे होंगे कि यहाँ लोग अंदर जा रहे हैं मतदान करने के लिए और बड़ी ही सतर्कता साथ पुलिस लगी हुई है। महिलाएं वोटर अंदर पहुंच रही हैं, मतदान करने के बाद यहाँ आ रही हैं। काट दियो। हमारे साथ मौजूद हैं कि जो लोग अंदर से वोट डालकर पोलिंग बूथ से लौट रहे हैं, उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है। महंगाई के मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? मानिकचंद। मानिकचंद जी, आपने मतदान कर दिया? हाँ। किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव किया? महंगाई के मुद्दे। महंगाई के मुद्दों को लेकर। अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? बढ़िया व्यवस्था है। मतदान जो आप करने जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। हाँ। कितना समय लग रहा है, किस तरीके के अंदर? ज़्यादा नहीं समय लग रहा, 1 से 2 मिनट लग रही है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स लगाई गई है, क्या यहाँ कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। जैसा कि हमारे साथ मतदाता मौजूद हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। मतदान बड़ी ही शांति से अंदर किया जा रहा है और पूरी सुरक्षा यहाँ मौजूद है और सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ मतदान करने जा रहे हैं। जहाँ समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साख का राजनीतिक कैरियर भी दांव पर लगा हुआ है। कैमरामैन हरिओम के साथ NVT न्यूज इटावा से मधुर शर्मा।